जो आज हम ह की लिखाई सीखेंगे। नीट कॉपी पे लिखने से पहले हम रफ कॉपी पे उसकी मश्क करेंगे। इस तरह हम पहले निशान लगाएंगे और उसके बाद लिखाई शुरू करेंगे। अब आप मेरे हाथ की तरफ देखेगा और ह की बनावट देखेगा कि मैं किस तरह बना रही हूँ। पहले आपने थोड़ी सी तिरछी लाइन ऊपर पीछे और इसके बाद नीचे लाइन को ले जाते हुए गोल उसका पेड़ बना देना है और वो लाइन को टच करेगा। ह के पास कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए हमने सिर्फ उसकी बॉडी या उसका जिस्म बनाना है और ह की लिखाई करनी है। ठीक है, दोबारा देखिए, निशान से थोड़ा सा तिरछा ऊपर पीछे और यूँ तिरछा ले जाते हुए उसका पेड़ बना देना है। दोबारा देखें, ऊपर पीछे और इस तरह से उसके पेट को लाइन से टच करना है, और जो इसका पेट है वो आपने लाइन के साथ जोड़ना नहीं है, और ना ही जो इसका जब ये से हम ख़त्म करते हैं तो लाइन से ऊपर जाना है, बल्कि आपने लाइन को इस तरह से टच करना है। दोबारा देखिए, ऊपर पीछे और यूं लाइन को टच करना है, ऊपर पीछे तिरछा हाथ ले जाते हुए और इस तरह गोल गोल बनाना है। इस तरह से पहले आपने ह की रफ कॉपी के ऊपर मश्क करनी है। रफ कॉपी पे मश्क करने के बाद अब अपनी नीट कॉपी निकालिए और उसका सफ़ा 22 खोलिए। सफ़ा 22 से आज हम ह की लिखाई करेंगे। इस तरह से पहले आपने निशान लगाने हैं और अब आप देखिए कि इस निशान पे मैं किस तरह से लिख रही हूँ, ऊपर पीछे और इस तरह से आपने उसका पेट बनाना है, ऊपर पीछे और तिरछे हाथ को ले जाते हुए यू लाइन से टच करते हुए उसका पेट बना देना है, और लाइन से नीचे पेट होगा, लाइन के साथ जुड़ेगा नहीं। दोबारा देखें, ये इस तरह से, और ह के पास कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए आपने सिर्फ उसकी लिखाई करनी है, उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं लगाना। देखें, ऊपर पीछे और इस तरह पेट बनाना है उसका। दोबारा देखें, ऊपर पीछे और हाथ को तिरछा ले जाते हुए इस तरह टच कर लेना। इस तरह से हम ह के पूरे पेज की लिखाई करेंगे सफ़ा 22 से। लिखाई करने के बाद अब हम तस्वीर वाली साइड पे आएंगे, और तस्वीर में ये जो तस्वीर बनी हुई है ये है हुक का। इसके साथ भी हम इस तरह निशान लगाएंगे और आवाज़ लिखेंगे ह। ह से हुक का, ह से हुक का, और इस तरह ह लिखने के बाद अब हम इस तस्वीर के अंदर रंग करेंगे। इस तरह से आपने तस्वीर के अंदर रंग कर लेने हैं और पूरा पेज ह की लिखाई करनी है।